जोशीमठ में 868 घरों में दरारें, 181 अनसेफ। चारधाम यात्रा की वजह से बेघरों को होटल ने अल्टीमेटम दिया, किराए पर घर नहीं मिल रहा। 2 जनवरी की रात जोशीमठ में जो आपदा आई उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 7 कमरों के 3 मंजिला मकान में रहने वाला हमारा 5 लोगों का परिवार होटल के 10x10 के कमरे में ठूस दिया गया। अब होटल वालों ने भी अल्टीमेटम दिया है कि 31 मार्च तक खाली कर दो, क्योंकि चार धाम यात्रा के कारण तीर्थ यात्रियों की बुकिंग शुरू होने वाली है। शहर में किराए पर भी घर नहीं मिल रहे हैं, बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में हम कहां जाएं? सड़क पर आने की नौबत आ गई है। जोशीमठ के सिंहद्वार में रहने वाली रूपा यह दर्द झेलने वाली अकेली नहीं है। करीब 4000 इमारतों वाले 11.5 वर्ग किलोमीटर में फैले शहर के 2.5 वर्ग किलोमीटर एरिया के 868 मकानों में दरारें आई हैं, जिनमें से 181 को अनयूजेबल घोषित किया जा चुका है। करीब 700 लोगों को अपना घर छोड़कर इधर उधर पनाह लेनी पड़ी है। जहां तक सरकारी मदद की बात है तो इन लोगों को तत्काल 1.5 लाख रुपए और 6 महीने तक किराए के घर के लिए 5000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, मगर सरकारी मदद मिलने के 7 दिन के अंदर मकान खाली करना होगा। मुश्किल ये है कि 4-7 लोगों का परिवार 5000 रुपए में किराए के छोटे से मकान में सामान सहित कैसे रह सकता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।